आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर से जुड़ी खबर के साथ, जहां पर छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग को मिले सुझाव, बहुत जल्द कानून के रूप में ये शक्ल सुझाव ले सकते हैं। इसके लिए कवायद भी तेज हो गई है, विधेयक तैयार कर लिया गया है। विधेयक के अनुसार अब निजी स्कूलों का शुल्क बच्चे के पेरेंट्स यानी कि माता पिता निर्धारित करेंगे। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज बताया है कि समीक्षा के बाद फाइनल किया गया है फीस निर्धारण के लिए दो तरह की कमेटी होंगी। ये विधेयक कब तक कानून का रूप लेगा, इसके लिए स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम से खास बातचीत की है संवाददाता सत्या राजपूत ने। देश के निजी स्कूलों का मनमानी पर रोक लगने वाली है। आज की समीक्षा की गई है, जो सुझाव मंगाए गए थे उस सुझाव पर विस्तृत चर्चा की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि चर्चा में क्या निर्णय लिया गया है, क्या सुझाव आए थे। मंत्री जी, ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि 15 सालों से बेलगाम जो है निजी स्कूल है, मनमानी फीस वसूलते रहे हैं और अब भी वसूल रहे हैं, तो इस पर रोक लगाने के लिए जो सुझाव मंगाए थे, किस तरह के सुझाव मिले हैं? देखिए, निजी स्कूल के बच्चों के और फीस को लेकर जो अभिभावक गण हैं उनकी हमेशा शिकायत रहती थी कि फीस अधिक लिया जा रहा है, और इस संबंध में कोई, चूंकि यहाँ पे कोई नियम नहीं था, तो इसलिए यहाँ के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक सब कमेटी, मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया, जिसका बैठक पहले हम लोग लिए थे। तो उसमें हम लोग ने कहा कि सभी के सुझाव मांग लिए जाएं, जो अभिभावक हैं वो, शिक्षाविद हैं वो, जो शिक्षक का, जो स्कूल का संचालन करते हैं, उन सभी का हम लोग ने एक वेबसाइट में भी दिया था और बाकी भी पेपर में भी दिया था कि इनका जो भी सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव उसमें आमंत्रित हैं, और सुझाव सबके आए और सुझाव बहुत करीब 1300 करीब सुझाव उसमें आए थे, और सभी का हम लोगों ने परीक्षण किया, उसमें देखा जो अच्छे सुझाव भी आए थे उनके उसमें उसका समावेश उसमें किया गया है। और चूंकि इस कमेटी जो हमारा फीस, छत्तीसगढ़ फीस विनियमन कमेटी, तो इसमें आज उसकी बैठक हुई, मंत्रीगण दोनों आए थे और हमारे अधिकारी भी आए थे, तो आज हम लोग ने उसमें ये तय हुआ कि जो भी फीस का जो निर्धारण होगा वो सरकार उसका फीस निर्धारण नहीं करेगी। इसके लिए शाला स्तर पर ही, विद्यालय स्तर पर ही एक कमेटी का गठन होगा और उसमें शाला के भी लोग रहेंगे और बच्चों के पालक हैं वो भी उसमें रहेंगे और वहाँ पर जो हमारे अधिकारी भी वो भी रहेंगे, ये सब मिलकर वहाँ पे तय करेंगे कि कितना सुविधा उनको है, क्या पढ़ाई होती है, क्या स्ट्रक्चर है, उसके साथ जो फीस का निर्धारण होता है वो लोग अपना तय करेंगे। अगर वहाँ पे कोई अगर सहमति नहीं बनती है या कोई फीस अधिक बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए फिर जिला स्तर में एक कमेटी रहेगी। अभी आप जो नियम कानून बताए हैं ये क्या 2021 मतलब आगामी जो सत्र है उसमें इसका फायदा मिलेगा पालकों को? कोशिश तो यही रहेगी, क्योंकि अभी तो कब स्कूल खोलेगा अभी तय नहीं है। इसको तो अभी आपने शिक्षा मंत्री को सुना जिनका साफ कहना है कि बहुत जल्द जो पालकों की शिकायत होती थी कि उनसे अधिक फीस वसूला जा रहा है, उस पर नियंत्रण के लिए नियम कानून निर्धारित किया जा रहा है, सुझाव मंगाए गए थे, उसमें आज समीक्षा हुई है और जो नियम कानून बनाया है उसकी रणनीति बनाई गई है, बहुत ही जल्द इसका फायदा मिलने वाला है। कैमरामैन चोला राम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।